जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और देश दुनिया की जो भी खबर होती है हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर राजनीति, किसान, मौसम और शिक्षा से संबंधित और जो भी कोई बेरोजगारों के लिए कोई भी सरकार की घोषणा होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि हम मौसम विभाग की जो जो अपडेट आती रहती है हम आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं। लेकिन जो कल जो बारिश आई थी और ओलावृष्टि हुई थी जिससे राजस्थान और हरियाणा में जो फसल नष्ट हुई है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है किसान भाइयों को, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी 6 महीने की किसानों की मेहनत थी उनको चूर चूर कर दिया और मेहनत पूरी बर्बाद हो गई क्योंकि इतनी ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। देखते हैं अब राजनीतिक पार्टियां सामने आकर के घोषणाएं कितनी करती है, तो उसी का वेट है किसान भाइयों को। तो क्या है एक्चुअली खबर, अब आगे कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं IMD की भविष्यवाणी, आज दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम ने जमकर कहर बरपाया है। अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी कर दी है कि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में आंधी, बारिश, ओले और बिजली गिर सकती है। इसका मतलब अभी भी आपका आगे भी ये सारी आंधी, ओलावृष्टि और तूफान आने के पूरे आसार हैं। नई दिल्ली, बेमौसम बारिश, धूल भरी आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में मंगलवार रात करीब 50 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल भी हो गए हैं। और बुधवार को भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा था कि उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बुधवार को आंधी तूफान आ सकते हैं और ओले भी पड़ सकते हैं और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कई इलाकों में बुधवार को भी मौसम की मार पड़ी। कहा जा रहा है कि गुरुवार को भी मौसम खराब रहने की आशंका है। तो आज भी मौसम खराब रहने की पूरी आशंका है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बताया था कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से सटे इलाकों में कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है और ओले भी गिर सकते हैं और बिजली भी गिर सकती है। विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु में, केरल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी या बारिश आ सकती है। तो उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में रविवार से ही आंधी तूफान आ रहे हैं, भारी बारिश भी हो रही है और धूल भरी आंधी चली है और आकाशीय बिजलियां गिरी है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को बेमौसम बारिश, धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई हिस्से इससे प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में 15 लोगों की मौत हुई, गुजरात में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश से संबंधित अलग अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई और राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने से करीब 10 लोग मारे गए हैं। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार के लिए अंबर रंग की चेतावनी दी गई है और अंबर रंग की चेतावनी का मतलब सरकार को संकट से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो रही है। तो अभी भी आज भी बहुत ज़्यादा कई स्टेट्स के अंदर अलर्ट जारी है, जिससे सावधानी बरतें जो भी वीडियो देख रहे हैं और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि आज शाम को आंधी, ओलावृष्टि और आपका बारिश और जो आकाशीय बिजली है वो गिर सकती है। तो सभी अलर्ट रहे, मौसम विभाग का अलर्ट आ चुका है और आपको वैसे अभी दिखने को मिल रहा होगा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही होगी क्योंकि जिस मौसम थोड़ा बिगड़ने के पूरे शाम तक आसार बताए जा रहे हैं मौसम विभाग ने, जैसे कि परसों भी बताया था और बुधवार को शाम को ओलावृष्टि हुई जिससे बहुत ज़्यादा फसल का, किसानों का नुकसान भी हुआ था। तो अभी तक कुछ उपाय हो सके तो आप कर सकते हो, लेकिन शाम को पूरे आसार बताए जा रहे हैं। अब जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँगा, तो आपको हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मौसम विभाग की कोई भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके आप कुछ भी पूछ भी सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।